बहुत समय पहले एक प्राचीन भारतीय राज्य में एक सुंदर राजकुमार पैदा हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ था। उसके जन्म पर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सिद्धार्थ एक राजा का बेटा था। उसके माता पिता राजा शुद्धोधन और रानी माया उसे बहुत प्यार करते थे। वो बहुत आराम से रहता था। महल के अंदर उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। उसके पास सब कुछ था। सोने चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र और अनगिनत सेवक उसकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन सिद्धार्थ खुश नहीं था। उसके मन में हमेशा कुछ सवाल उठते रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर गया। उसने सोचा कि महल के बाहर की दुनिया कैसी होगी। उसने पहली बार दुनिया को देखा। उसे हर चीज नई और अद्भुत लगी। उसने एक बीमार आदमी को देखा। वह आदमी बहुत कष्ट में था। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। वह आदमी बहुत कमजोर और थका हुआ था। फिर उसने एक मृत व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ बहुत दुखी हुआ। उसने पहली बार मृत्यु को देखा था। उसे एहसास हुआ कि जीवन में दुख है। उसने सोचा कि अगर महल के बाहर इतनी पीड़ा है तो इसका कारण क्या है। उसने फैसला किया कि वो इसका जवाब ढूंढेगा। उसने ठान लिया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक उसे जीवन के इन सवालों के उत्तर नहीं मिल जाते। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया। उसने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया क्योंकि उसे जीवन के असली अर्थ की तलाश थी। उसने सादे कपड़े पहने, वो साधु बन गया। उसने अपनी सारी संपत्ति और ऐश्वर्य को छोड़ दिया ताकि वह सच्चाई को जान सके। वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वो बहुत सारे गुरुओं से मिला। उसने बहुत कुछ सीखा। हर गुरु से उसने कुछ नया सीखा, लेकिन उसकी प्यास अभी भी बुझी नहीं थी। लेकिन उसे अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उसे अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। वो अभी भी दुख का कारण जानना चाहता था। उसने सोचा कि जब तक वह दुख के मूल कारण को नहीं समझेगा, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। सिद्धार्थ ने कई सालों तक तपस्या की। उसने बहुत कष्ट सहे। वो बहुत कम खाना खाता था। वो बहुत कम सोता था। लेकिन उसे अभी भी ज्ञान नहीं मिला। वो बहुत कमजोर हो गया। एक दिन वो बेहोश हो गया। एक गाय ने सिद्धार्थ को दूध पिलाया। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि सिर्फ कठोर तपस्या से ज्ञान नहीं मिलेगा। उसने फिर से खाना शुरू कर दिया। उसने ध्यान करना शुरू किया। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचा। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने ध्यान करना शुरू किया। वो तब तक ध्यान करता रहा जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। सिद्धार्थ अब बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब है जागृत या प्रबुद्ध। बुद्ध ने लोगों को दुख से मुक्ति का रास्ता बताया। उन्होंने अपने उपदेशों में जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने चार आर्य सत्य बताए। ये सत्य जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझाते हैं। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया जो सही जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। यह दुख हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे समझना आवश्यक है। दुख का कारण तृष्णा है। हमारी इच्छाएं और लालसाएं ही हमारे दुख का मूल कारण है। तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। तृष्णा के अंत का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग हमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाती हैं। वो हमें दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं। उनके उपदेश हमें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। वो हमें शांति और खुशी का रास्ता दिखाती हैं। उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं।